सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और थोड़ा ज़्यादा ही तेज़ बोल रहा हूँ मैं, और अभी बज रहे रात के 12। मैं तैयारी कर रहा हूँ, कल सुबह हम लोगों को निकलना है। और होप्स आपको पिछला ब्लॉग पसंद आया, अगर नहीं पसंद आया होगा तो डिसलाइक कर देना, पसंद आएगा तो लाइक कर देना, नहीं देखा तो जाके देख लो। और मेरा चेहरा पहला बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय द वे, तैयारी वारी चल रही, थोड़े पैंट वैंट फेंके हुए हैं और वो सब थोड़ा सा ध्यान मत दो। इधर जूता मैं चेक कर रहा था कि पहला बार मैं पहनूंगा तो कैसा दिखेगा भाई। कम से कम बहुत बड़ा जूता है, थोड़ा सा ख़राब दिख रहा है, पर घंटा फर्क नहीं पड़ता अपन को। बाय द वे, इधर मैं एडिटिंग कर रहा था अपना, कहता है रंगीला कीबोर्ड चल रहा है। इधर एडिटिंग हो चुकी है, जो कि आप लोग पिछला व्लॉग देख रहे हो उसी की एडिटिंग हो चुकी है, और वो अभी मैं अपलोड भी कर दूंगा सुबह 9 बजे 10 बजे समथिंग टाइम, वैसा ऐसा कुछ। और यही कपड़ा पहन के जा रहा हूँ। नहीं पता भाई, ये देखो, ये बारिश हुई थी ना जो दिन लगातार, उसकी वजह से इसका नील नहीं छूटा है। सो खैर, इसका जुगाड़ देखा जाएगा या फिर ऐसे ही पहन लिया जाएगा, क्योंकि धूप में नील चले जाता तो 10-15 मिनट में धूप में निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। सो खैर, मिलते हैं आप लोगों को सीधा सुबह। सुबह हो चुकी है भाई, मतलब सुबह तो नहीं बोलोगे, पर ये देखो अंधेरा है बाहर। टाइम हो रहे हैं 5 मिनट बचा है 5 बजने में, और मैं ऑलमोस्ट तैयार हो गया हूँ, जूता पहनना है। मैं सोचा था कि भाई हल्का सा क्या बोलते हैं कि 5 बजे तक तो रोशनी हो ही जाती है, पर मेरे को नहीं पता था कि इतना अंधेरा रहता है, कुछ दिखेगा ही, पर चलता है, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। और बस जूता वूता पहनना है, दोस्त वोस्त को कॉल लगाते, श्योर करते और निकलते निकलते। सर अभी बज रहे 5:24 और पूरा मस्त बारिश ने हम लोग का मूड खराब कर दिया है। मेरा सफेद जूता का अभी क्या होगा नहीं पता। आयुष तो सही जूता पहन के आया भाई, खराब ही नहीं हो सकता मेरा तो ऐसा, इतना जल्दी दाग लगने वाला है कि पेट्रोल पंप भी बंद। बाकी हम लोग तीनों हेलमेट में, प्रत्युष अकेला बिना हेलमेट गया। बहुत है कि हर्ष नहीं पहन के आएगा। अरे दूर इतना ज़्यादा हेलमेट तो पहनना चाहिए। और एक और लड़का आ रहा लास्ट, उसके बाद निकलते। वैसे हो उम्मीद तो नहीं कि बारिश होना चाहिए, और अब क्या पता आगे का बादल तो हम लोग भी नहीं जानते। 20 किलोमीटर 6-7 बजे लिखा हुआ फिर से बारिश। तो फाइनली अब हम निकल चुके हैं यार, हेलमेट बहुत छोटा अजीब सा लगता है, और हम लोग आज लोग दोनों अलग ही बाइक में, तो लोग तो अलग ही स्पीड में जाने वाले हैं, हम लोग करके आराम आराम करके हो जाएंगे सबका, पूरा आराम आराम से जाएंगे। कुछ बारिश तो अभी है, रुक चुका है, पर मौसम मतलब हो गया, तो थोड़ी थोड़ी विंड की आवाज़ आ रही होगी और बारिश तो होने लगी है वापस से। मैंने, अरे यार चश्मा लग गया मेरा। हाँ, सो बारिश थोड़ी थोड़ी होने लगी है और बस हम लोग पहुँच ही चुके हैं, और रास्ता आप लोगों को दिख रहा था बहुत एपिक ही रास्ता। और आर यू रेडी? ये देखो भाई, बारिश में स्ट्रगल करके आया जा रहा भाई। पूरा गीला हो गया। अभी लाइव जाएगा प्रत्युष, जिसमें एक लोग हम ही लोग देखेंगे उसमें। लाइव अभी जाएगा और हम ही लोग देखेंगे, हमेशा यही होता है। सर ऐसा कुछ पूरा रास्ता है और वो ही भयानक ठंडी लग रही है अभी, और ये तो ऊपर से हाफ हाफ पहन के आया है। मेरा तो सभी थोड़ा पैंट जीन्स है, थोड़ा मोटा वाला, और बहुत भयानक ठंड लग रही है यार। और पीछे मयंक है, आगे वो लोग, उधर हम लोग टोटल 1, 2, 3, 4, 5 लोग आए हैं, और खाने वाने का सामान रास्ते में ले लिया था। बारिश क्यों हो रही है यार, बहुत गुस्सा लग रहा है, इतनी अच्छी जगह पर आए हैं। और अभी तो ये बस रास्ता ही था, ये उसका डैम से ज़्यादा रास्ता के लिए उस जगह के तरफ, और बस थोड़ा ही दूर है डैम। तो भाई फाइनली डैम आ चुका है, और इधर है दुर्गा डैम के ऑलमोस्ट, पर अभी आप ही लोग अपने आँख
से देखो और बताओ भाई क्या ठंडी लग रही है ना, पूछो मत लेकिन जो बोल रहा हूँ। तो ये देखो, तो ये रहा दुर्गा डैम। ओ भाई पानी का प्रेशर देखो, बोला इसको देख के डर लग रहा है भाई। भाई देखो, ओ माय गॉड, इधर पानी का मतलब क्या प्रसिद्ध है वहाँ पे। ओ माय गॉड, ये हमेशा उसको साइकिल पे भी ऐसे ही करता है, ऐसे करता है, पता नहीं क्या करता है। ये देखो भाई पानी का लेवल कितना बढ़ चुका है। सो यार फाइनली अपन आ चुके हैं। यार हेलमेट खोल ही देता हूँ मैं, बाल वाल खराब दिख रहा होगा थोड़ा सा, पर अपन आ चुके हैं वापस गेतल सुप्पे। और पानी का प्रेशर दिखाता हूँ मैं आपको भाई, पानी देख कैसे डर लगता है मेरे को। वो देखो भाई पानी का प्रेशर देखो भाई, बिल्कुल भी कुछ भी पैतरा नहीं देना यहाँ पे, शांति से देख के निकलना भाई। पानी देख के क्या ही फट रही है मेरी। सो सिनेमैटिक्स दिखाते हैं आपको, गेतल सुत का इंट्रोडक्शन दिखाते हैं। और क्या क्या बोल रहा हूँ भाई, इन 3 2 1। तो अभी बारिश हो रही है अच्छी खासी, पर ये रोड देखो भाई एपिक रोड है। और हम लोग पानी से एकदम दूर आ गए, सेफ एकदम मस्त। वैसे भी हम लोग पास नहीं गए थे ज़्यादा, और वहाँ पे वो बाइक सीख रहा है थोड़ा थोड़ा सा, उसको सिर्फ स्कूटी आती है चलाने। और उधर रुपाई चल रही है भाई, और ओवरऑल क्या ही सीन है। और फोटो वोटो खिंचा विचा के चलते हैं अपन। सर ये लोकेशन के लिए तो इतना ही, अब हम लोग जा रहे हैं मेन रोड पर, और ये फुल रेंज पर जा रहा है। और सबने अपना हेलमेट यहीं फंसाया, अब हम लोग कैसे लेके जाएंगे भाई इतना लोग का हेलमेट। छोड़ देते मैं तो कहता हूँ यहीं। हाँ भाई अपने से लेने आएगा। स्कूटी की वैल्यू देख लो भाई, पूरा हेलमेट बैग स्कूटी पे, और बाइक को वैल्यू देखो, स्कूटी वर्सेस बाइक। निकला जाए, चलो चलो, तो लदा हुआ है पूरा एकदम। सो भाई फाइनली अपन निकल चुके हैं। अरे यार इतना क्यों सस्पेंस में, क्या बोलते हैं। सो फाइनली अब अपन निकल चुके हैं, अब यहाँ से बारिश हो रही है। गौरव सुन जैसा हो जाएगा भाई। हो यहाँ पे 50 पूरा भी, उसका वीडियो था ना 5 फुट का गड्ढा रोड में। अरे भाई वहाँ खुदाई हो रहा था यार, इतना बेवकूफ इंसान है ना भाई गौरव सुन। अब बोल दे यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिख रहा है बहुत ज्यादा, पहले रोड में मिरर। ओ माय गॉड। सो यार मस्त फोटो शूट हो चुका है, और लोकेशन देख सकते हो तुम लोग यार मस्त एकदम। और लोग सब लोग निकल चुके हैं, सबसे तेज पहुंचने वाले लोग सबसे पहले। हम लोग 50 की स्पीड पे जाएंगे भाई, साइड से पे स्कूटी हिलने लग जाता है भाई, तो इसे होने लगता है इसे। सो अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से जल्दी से। यही था कुछ गेतल सूद, और कैसा लगा जरूर बताना कमेंट्स में। और अभी हम लोग निकलते घर के लिए, हो सकता है रास्ते में शायद कुछ खाया अगर मन किया तो। भूख थोड़ी सुस्त लग रही है, पर भाई बारिश ने पूरा मूड खराब कर दिया मेरा। नए जूते टेस्टिंग हो गया, ठीक ही है लेकिन वो सूख जाएगा, मतलब एक बार सूखेगा फिर मैं सूखा कपड़ा से पोंछ के बस साफ हो जाएगा। और बहुत तगड़ी तगड़ी फोटो खींचे भाई, देख रहे हो ऐसे रोड में फोटो नहीं आएगी तो और क्या आएगा। अभी एंटर कर चुके हैं फाइनली, और सीधा अभी मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ भाई। क्या हम लोग बैठे 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 बस पार किया है, कमर भी दर्द दे रहा है बहुत।
मन कर रहा है एक बार खड़ा होकर स्ट्रेचिंग करे इधर उधर थोड़ा सा, और देखते हैं। बाकी एक दोस्त तो मुड़ के निकल चुका है, अब दूसरा बाकी लोग रुके हैं कि नहीं देखना होगा, और फिर बताते हैं। सर हम लोग का पाइनएप्पल शेक आ चुका है जो कि है ग्रीन कलर का, मेरे को नहीं पता ग्रीन कलर कैसे, ग्रीन भी नहीं है यार, अच्छा सॉरी कैमरा में ग्रीन दिख रहा पर है ये क्रीम कलर का है, क्रीम और ऊपर से वैनिला डाला हुआ है, अलग ही टेस्ट है भाई, पाइनएप्पल प्लस वैनिला का टेस्ट पहला बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं। थोड़ा हेल्दी खा रहे हैं आज, पी रहे हैं मतलब भाई, हम हमेशा आके आते थे चॉकलेट पीते थे, पर सही है जो भी है एनर्जी मिल जाएगा। घर जाके वैसे भी अभी नाश्ता करना ही है, परफेक्ट टाइम पे, लेकिन आ गए नहीं वापस, अभी मेरे ख्याल से हो रहे होंगे 9:30 हो रहा है भाई, 10 मिनट और पहले आ गए, एकदम परफेक्ट टाइम पे गए, परफेक्ट टाइम पे आए, बस बारिश नहीं होती ना तो पूरा ट्रिप ही परफेक्ट हो जाता, एकदम बेस्ट ट्रिप हो जाता, पर बस बारिश ने मूड खराब कर दिया। एक्सपीरियंस हो गया कि बारिश में गए थे हम लोग, हाँ मतलब बारिश वाला एक अलग, मतलब एक अलग व्यू मिल गया, पॉइंट ऑफ व्यू, पर ऐसा ही कुछ था। अभी हम लोग शेक वेक ख़त्म करते हैं फिर चलते हैं, 40 रुपये का एक।